Good morning to everyone. Today we will start class 3 subject Hindi. Your chapter will be started lesson 4 Toto ke Karname. आज हम लोग पढ़ेंगे आपका लेसन 4 टोटो के कारनामे. ठीक है, टोटो कौन है? यहाँ पे टोटो एक नाम है. ठीक है, अब स्टोरी पढ़ते देखते कि कौन है ये जिसके कारनामे आज हमको जानने हैं. एक बार की बात है, दादाजी एक जानवर को पालने के लिए बड़े शौक से ले आए. हम लोग सब अपने अपने घर में या दोस्तों के यहाँ देखते ना, सब कोई ना कोई जानवर को पालते हैं, कितना अच्छा लगता है पालना. तो उसी तरह दादाजी एक जानवर को ले आते हैं पालने के लिए. एक दिन वे तांगे वाले से 5 रुपए में टोटो को खरीद कर ले आए. किसको खरीद कर? टोटो को खरीद कर. टोटो बहुत सुंदर बंदर था. अब देखो कौन था टोटो? बंदर था. उसकी चमकीली आंखों में शैतानी भरी रहती थी. पूंछ तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती थी. दादाजी कहते थे ये पूंछ तो उसकी तीसरी हाथ है. तीसरी हाथ क्यों? दोनों हाथ से हम लोग काम करते हैं ना, तो बंदर का जो पूंछ होता है उससे वो लोग कहीं भी लटक जाता है. जहाँ उसका हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ से वो लोग पूंछ से काम कर लेता है, लटक लटक के इधर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाता है. तो इस तरह उसका तीसरा हाथ हो गया ना वो. ठीक है, फल उल तोड़ने में लटकने में उसको मदद करता है. जब दादाजी किसी भी नए प्राणी को घर लाते हैं तो दादी हमेशा बात का बतंगर बनाती है. बतंगर का मतलब क्या हुआ? बोलती होंगी कि क्यों लाए, ये घर गंदा कर देता है, बदमाशी करता है, उछलता फंकता है. यही चीज हो गया, बात का बतंगर बना देती है. इसलिए दादाजी और मैंने फैसला किया कि जब तक दादी जी अच्छे मूड में ना हो तब तक टोटो को छुपा कर रखेंगे. हमने उसके लिए एक छोटी सी कोठरी में उसे बंद कर दिया. एक छोटा सा कोठरी था रूम जैसा, उसने उसको बंद कर दिया. किसको? टोटो को. कुछ घंटों के बाद दादाजी और मैंने टोटो का हाल चाल जानने गए कि कैसा है टोटो, उसको कहीं भूख तो नहीं ना लगा. हमने देखा दीवार पर दादाजी की पसंद के लगे वॉलपेपर उधरे पड़े हैं. दीवार पर ईंटें और पलस्तर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, मतलब उसने पलस्तर को झाड़ दिया और तोड़ दिया. दीवार पर लगी खूंटी उखड़ी पड़ी है. वहीं मेरा स्पोर्ट्स कोट भी तार तार हो चुका है, उसको तोड़ दिया होगा, है ना. दादाजी बोले बंदर की करतूत तो देखो क्या किया है, वो काफ़ी होशियार है. यदि इसे और समय मिलता तो ये तुम्हारे कोट के फटे टुकड़े से रस्सी बनाता और खिड़की से भाग जाता. संयोग से दादी जी भी वहीं आ गई. लो, दादी जी से छुपा के रखे थे और दादी जी भी वहीं आ गई. वह बोली यह घर में तो बिल्कुल नहीं रहेगा, है ना. गुस्साने लगी क्योंकि इतना तोड़ फोड़ मचा के रखा था रूम में. आखिरकार बड़ी मिन्नतों के बाद दादी जी से टोटो को रखने के लिए राजी हुई. बहुत रिक्वेस्ट किया दादी से तब जाके टोटो को रखने के लिए मानी वो. अब टोटो के बगीचे में बाड़े में बढ़िया जगह मिल गई थी, है ना. बगीचा में लेके गए उसको. सर्दियों की शाम को टोटो के लिए सुखद क्षण तब आता था जब दादी जी उसे गर्म पानी से नहलाती थी, है ना. उसको जब गर्म पानी से दादी नहलाती थी तो गर्म गर्म उसको बहुत अच्छा लगता था. पानी के बड़े टब में घुसने से पहले टोटो अपनी उंगली से परखता था पानी कितना गर्म है. पहले चेक कर लेता था पानी कितना गर्म है, फिर धीरे धीरे पानी में घुसता अपना एक पैर, फिर दूसरा पैर, ऐसे करके वो घुसता. उसकी केवल गर्दन पानी से बाहर रहती थी, पूरा बॉडी पानी में वो डुबा करके नहाता था. एक दिन ऐसा हुआ कि चाय बनाने के लिए पानी से भरी डेकची चूल्हे पर रह गई. टोटो ने देखा कि पानी नहाने लायक गर्म था, अतः वह उसमें घुस गया. बाहर सिर्फ उसका सर दिखाई दे रहा था. कुछ देर तो सब ठीक ठाक रहा लेकिन बाद में पानी गर्म होने लगा. तब टोटो थोड़ा उठा लेकिन बाहर ठंडा होने के कारण फिर उसमें क्या किया, बैठ गया. लेकिन कुछ समय के बाद वह निकलने के लिए हाथ पैर मारता रहा. आखिरकार दादाजी आए और उसे अधजुलसी हालत में बाहर निकाला. यदि दिमाग में ऐसा कोई भाग होता है
तो जो सिर्फ शैतानी के लिए होता है, जो कहा जाता है कि टोटो का यह भाग बहुत ही विकसित था, इसीलिए बहुत शैतानी करता था। दादाजी को भी मानना पड़ा कि उस जैसे जानवर को बहुत लंबे समय तक हम रख नहीं सकते। हम बर्तनों, कपड़ों और वॉलपेपर के नुकसान को बार बार सहन नहीं कर सकते। कोई डेली चीज़ तुम्हारा तोड़ेगा तो हम लोग बर्दाश्त कर सकेंगे? नहीं ना। पर करे तो क्या करे, एक दिन हमारी समस्या का हल हो गया। जब एक महात्मा हमारे घर आए, तब उन्होंने हमें से पूछा, क्या आपके घर में कोई पवित्र बंदर है? दादाजी ने कहा, हमारे पास बंदर तो है, लेकिन पवित्र होने की जगह वह ज़्यादा अपवित्र है। महात्मा जी ने कहा, मेरा बंदर बहुत पवित्र था। 6 महीने पहले वह मुझसे नाराज होकर कहीं चला गया था। बाजार के तांगे वाले ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैं यहाँ आ गया। दादाजी ने कहा, हाँ, मैंने तो उसे बाजार से ही खरीदा था। वह आपका है या नहीं, देख सकते हैं आप। इतने में टोटो बरामदे में आया। उसने गेरवे वस्त्र वाले महात्मा जी को देखा तो खुशी से किलकारी भरी, खुश हो गया, उनके कंधे पर चढ़ गया। क्या यह आपका बंदर है? दादाजी ने पूछा। और क्या यह वास्तव में पवित्र है? तब उन्होंने कहा, बहुत पवित्र है। महात्मा जी ने कहा, आप इसे ले जा सकते हैं। उनके दादाजी ने कहा, दादाजी की इच्छा थी कि उन्हें टोटो के बदले 5 रुपए मिल जाए, लेकिन हुआ यह कि उन्हें महात्मा जी को 5 रुपए दान में भी देने पड़े। महात्मा जी ने हमें आशीर्वाद दिया। मैंने टोटो को केले दिए और उसने मुझे स्नेह से देखा। इस प्रकार दादाजी को राहत मिल गई। किससे? उस बंदर से। क्यों? क्योंकि वो घर में बहुत उत्पात मचा के रखा था, सब चीज़ को तोड़ फोड़ रहा था, है ना। क्योंकि बंदर का स्वभाव ही ऐसा होता है, वो नटखट कर होते हैं और शरारती होते हैं। तो हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसके शब्दार्थ को सबको ही अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, लेट मी स्टार्ट योर क्वेश्चन आंसर नंबर 1। का नंबर क्वेश्चन है इसका, शुरुआत में टोटो को छिपाकर क्यों रखना पड़ा? क्योंकि दादी उसे देखकर गुस्सा जाती। नाउ सेकंड नंबर, अनुमान लगाइए टोटो टांगा वाला के पास कैसे पहुंचा होगा। तो टोटो भागकर आया होगा, तो टांगा वाला ने उसे पकड़ लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, दादाजी ने बंदर कहाँ से खरीदा? दादाजी ने बंदर टांगे वाले से खरीदा। उसके बाद है आपका 2 नंबर में ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपके 3 ऑप्शन से 1 आंसर सही है। दादाजी ने टोटो 10 रुपए में खरीदा, तो कितने रुपए में खरीदा था? 5 रुपए में। उसके बाद है आपका, महात्मा जी को देखते ही टोटो खुश हो गया ना। महात्मा जी एक डैश बंदर को ढूंढने आए थे, पवित्र बंदर को ढूंढने आए थे। नए जानवर के आने पर दादी हमेशा बात का बतंगड़ बना देती थी। डैश ने टोटो को उबलते पानी से बाहर निकाला था, तो दादाजी ने निकाला था। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में, नोट कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें क्या है कि ये वाक्य किसने किससे कहे होंगे बताना है। जैसे क नंबर, आप इसे ले जा सकते हैं, तो दादाजी ने महात्मा से कहा था। क्या आपके घर में पवित्र कोई बंदर है? तो ये आप महात्मा ने दादाजी से कहा। यह पूछ इसका तीसरा हाथ है? दादाजी ने बच्चे से कहा। यह घर में बिल्कुल नहीं रहेगा? दादी जी ने दादाजी से कहा। तो इस तरह हमने नंबर 3 कंप्लीट किया। इसे उतार लीजिए, अपने नोट डाउन कीजिए कॉपी में। अब हम लोग इसके नंबर 4 क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। क नंबर, लिखिए ऐसा क्या हुआ होगा कि दादी टोटो को रखने के लिए राजी हो गई होंगी। तो दादाजी और बच्चे ने उन्हें मिलकर मनाया होगा कि टोटो बदमाशी नहीं करेगा, टोटो अब बदमाशी नहीं करेगा। ठीक है, टोटो यहाँ अब होगा, ठीक है, अब बदमाशी नहीं करेगा। ख नंबर, टोटो उबलते पानी में कैसे गिर गया? तो उसे लगा यह गर्म पानी नहाने के लिए है।
घर नंबर। टोटो की पूंछ उसके तीसरे हाथ का काम करती थी कैसे? वह पूंछ की मदद से पेड़ पर लटक जाता था और फल तोड़ लेता था। घर नंबर। दादाजी टोटो की करतूत से खुश क्यों थे? तो क्योंकि उसकी शरारत से भी सभी को आनंद मिलता था। तो हमने इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है। अब इसके 24 पेज नंबर में एक है विलोम शब्द और 25 में है लिंग बदलकर वाक्य बनाना है, जो इसको आपको खुद से करना है। पेज नंबर 26 भी आपका होमवर्क है, तो आप इसे अपने कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे होमवर्क को एंड इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आज हमने अपना लेशन 4 टोटो के कारनामे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू।